वन पीस अम्ब्रेला कुर्ती कटिंग करने की एक खास ट्रिक कुछ टिप्स के साथ बताई है, जिससे आप किसी भी साइज का अम्ब्रेला कुर्ती कटिंग बड़े आसानी से कर सको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वन पीस अम्ब्रेला कुर्ती बनाने के लिए हमें चाहिए 3 मीटर कपड़ा। मैंने रेयॉन का कपड़ा लिया है और इसे मैं सबसे पहले बिछा के लूंगी। इसमें मेरी फुल लेंथ बन जाएगी और हाफ स्लीव्स बन जाएंगे। इसकी चौड़ाई 44 इंच है। इस साइड से ये खुला है और इस साइड से बंद है। तो जिस साइड से ये बंद है उसी साइड से हम इसको उठा के तिकोन में फोल्ड करेंगे। तो ये तिकोन में फोल्ड हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा बस घुमा के लूंगी क्योंकि ये कैमरे के पास आ जाए। अब देखो ये बंद वाली साइड है, नीचे की तरफ आपको खुले पार्ट दिखेंगे और इस और भी ये कुछ एक फोल्ड नजर आएगा और दो खुले पार्ट नजर आएंगे और इस साइड में ये पूरा फोल्ड रहेगा। अब ऊपर का जो कोना है ये वाला, यहां से पकड़ेंगे और वहां से टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ नापेंगे शोल्डर। शोल्डर है 7.5 इंच। अब आप कहोगे ये कैसा नाप रहा, कोने से शोल्डर थोड़ी ना नापते हैं। तो बस वहीं से नापना है, वहां पर मैंने उंगली को रख दिया है और इस तरह से कोने को मैंने फोल्ड करके लिया है। अब ये बीच में फोल्ड नहीं रहेगा, ये जो सीधी लाइन दिख रही है सीधी लाइन के ऊपर इसको रखना है और उंगली को यहाँ से हटाना नहीं है। तो देखिए यहाँ से ये एकदम इस तरह से आ गया। अब ये बिल्कुल हमें शोल्डर का सही नाप मिल गया। यहाँ पर हमें एकदम सीधा नाप मिलता है और ये एकदम परफेक्ट फॉर्मूला है क्योंकि हमारी जो शोल्डर की लाइन होगी वो टेढ़ी नहीं जाएगी इससे। अब देखो मैंने इसे खोल दिया, खोलने के बाद ये देखिए एकदम सीधा आ गया है। फिर से एक बार मैं दिखाती हूँ। यहाँ से मैंने शोल्डर नापा 7.5 इंच, फिर वहां पर मैंने उंगली को रखा और इसको इस तरह से फोल्ड किया तो हमें मिल गया हमारा शोल्डर का परफेक्ट नाप। और ये वाला हिस्सा मैं निकाल दूंगी। अब ऊपर से हम हमारा नाप डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम नाप डालेंगे आर्म होल का। जैसे कि मेरा आर्म होल है 1.25 इंच, 1.25 इंच पे मैंने मार्क किया। फिर मैंने 15 इंच पर डाली है कमर की लंबाई। अब यहाँ से हमें एकदम परफेक्ट लाइंस बनानी है। उसके लिए मैंने ये नोटबुक लिया है क्योंकि नोटबुक की मदद से हम एकदम 90 डिग्री एंगल के लाइंस बना सकते हैं। तो देखिए इसको इस तरह से रखना है और यहाँ से हमें एकदम परफेक्ट लाइन मिल जाएगी। अब ये लाइन हो गई, नीचे की तरफ भी मैंने इसको रखा और इस तरह से लाइन बना दी। तो यहाँ पर क्या होता है ना, तिरछा कपड़ा होता है। तिरछे कपड़े में सीधी लाइन खींचना एक टास्क की तरह होता है। तो हमें क्या करना है, नोटबुक का इस्तेमाल करना है। अब जहां पर हमारी चेस्ट लाइन आई है उसके नीचे 2.5 इंच नीचे एक मार्क किया है और वहां पर फिर से मैं उसी तरह से एक लाइन बनाऊंगी। ये लाइन होगी हमारी फुल बस्ट की लाइन। यहाँ पर हमने 3 लाइंस खींचे हैं। बीच की है फुल बस्ट लाइन, नीचे की है वेस्ट लाइन और ऊपर की है चेस्ट लाइन। अब ऊपर की तरफ फिर से एक बार शोल्डर का नाप डालेंगे। वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी ये शोल्डर के नाप का ही कटा है, लेकिन फिर भी हम माफ कर देंगे। अब वहां से सीधे नीचे लाइन खींचेंगे। ये लाइन होगी हमारी आर्म होल की लाइन यानी मुड्डे की लाइन। उसके बाद हम जो ऊपर की लाइन है चेस्ट लाइन, वहां पर चेस्ट का नाप डालेंगे। तो चेस्ट है 36 इंच चौथा भाग हुआ 9 इंच, उसमें 1.25 इंच लूजिंग डाला और 1.25 इंच पर मार्क किया। उसके नीचे आता है फुल बस्ट लाइन। फुल बस्ट है 38 इंच चौथा भाग हुआ 9.5 इंच। 9.5 इंच में मैंने बस 1/4 इंच मिलाया है, मतलब 1/2 इंच मिला दिया है और 1.5 इंच पर मार्क किया है। उसके नीचे आती है वेस्ट लाइन यानी कमर। तो कमर है 32 इंच चौथा भाग हुआ 8 इंच। 8 इंच में अधिक 0.5 इंच लूजिंग डालेंगे और 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब ये तीनों पॉइंट इस तरह से हम मिला देंगे। तो ये सारा डिटेल्स के साथ अगर देखना है तो हमारा कुर्ती कटिंग का वीडियो जरूर देखिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बाहर की तरफ मैंने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लिया है हर एक लाइन के बाहर और वहां से मैंने फिर से एक बार शेप दे दिया। तो ये ऑल ओवर इस तरह से दिखेगा। अब गले की चौड़ाई ली है 3 इंच, जो कि हम नॉर्मल कुर्ती में लेते हैं उतनी ही। पीछे का गला मैंने 3 इंच डीप रखा है और यहां से इस तरह से बॉक्स बना के गोलाई दे दी। अब आगे का गला मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। आप अपने मर्जी अनुसार कम ज्यादा रख सकते हो। वहां पर भी मैंने इसी तरह से बॉक्स बनाया और गोलाई दे दी। अब हम जो हमारे आर्महोल की लाइन है वहां पर शोल्डर स्लोप लेते हैं 0.25 का यानी 0.75 इंच का और उसे तिरछे में मिला दिया गले की लाइन को। अब हम हमारे आर्महोल का शेप देंगे। सबसे पहले मैं पीछे के आर्महोल का शेप दे रही हूं।
उसके बाद मैं दे रही हूँ फ्रंट आर्म होल यानी आगे के आर्म होल का शेप, दोनों मैंने दे दिए। अब हम यहाँ पर लंबाई नापेंगे, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, सारे नाप हमने फोल्ड वाली साइड से लगाए थे और लंबाई भी हम फोल्ड वाली साइड से ही पहले नापेंगे। तो मैंने ऊपर की तरफ टेप रखकर नीचे की तरफ 48 इंच पर मार्क किया है। अब ऊपर की तरफ किसी को भी आप उंगली रखने को बोलो या फिर कोई भी वजन रख दो और बस नीचे की तरफ टेप को घुमाते हुए जितनी भी आपकी लंबाई आपने डाली है उसी नाप का मार्क करेंगे। तो मैं 48 48 इंच पर मार्क करते जा रही हूँ और ऊपर की तरफ मैंने बेटे को अपने उंगली रखने को कहा है। तो इस तरीके से बस टेप को घुमाते जाना है और मार्क करते जाना है, हमें परफेक्ट राउंड यहाँ पर नीचे की तरफ मिल जाएगा। अब ये पूरा मार्क हो जाने के बाद टेप को मैं कमर की ओर रखूंगी, या ये देखिए यहाँ पर हमारी कमर का मार्क है तो वहां पर रख दिया और नीचे लंबाई के मार्क को इसको टच करके इस तरह से तिरछे में लाइन बना दी। तो ये इस तरह से दिखेगा। अब नीचे की तरफ जो हमने पॉइंट्स लगाए थे लंबाई के वहां पर गोलाई दीजिएगा और इसको कट करना शुरू कीजिएगा। तो कटिंग करते समय जो पीछे का गला है वो मैंने पहले कट किया, उसके बाद शोल्डर स्लोप की लाइन और उसके बाद पीछे का आर्महोल का शेप। अब आगे का गला और आगे का आर्महोल शेप हम बाद में कट करेंगे, बाकी हमने जैसा जैसा मार्क किया है वैसा वैसा मैंने कट कर दिया है। तो ये पूरी कुर्ती हमारी कट हो चुकी है। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा जोड़ आएगा, क्योंकि इसका पन्ना हमारे नॉर्मल कपड़े की पन्ने की तरह ही है तो इसमें जोड़ आना ही है। अब यहाँ पर जोड़ कैसे लगाना है बाद में दिखाऊंगी। अब इस साइड में ये जो कपड़ा बचा है इसमें हम स्लीव्स कट करेंगे बाद में, यहाँ पर हाफ स्लीव्स निकल जाएंगे। अब यहाँ पर ये जोड़ लगाना है, तो नीचे की तरफ जो कपड़ा बचा है वही हम ऊपर की तरफ रखेंगे। तो इसे रखना कैसा है देखो। अब देखिए मैंने लेफ्ट हैंड से कोना पकड़ा है और राइट हैंड से इस ओर पकड़ा है, तो इसे बस मैं इस तरह से घुमाऊंगी ये देखिए और बस इसको रख दूंगी। तो ये बहुत ही आसान है, बस इसको इस तरह से घुमा के रखेंगे ना तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अब रखने के बाद इसे देखो यहाँ पर अच्छे से कवर करके लेंगे कपड़े को, ये देखिए इस तरीके से। अब इस जोड़ को रखते टाइम एक आध इंच ऊपर की तरफ चढ़ा के रखेंगे, क्योंकि ये जोड़ है तो इसे सिलना ही है, तो दोनों तरफ से आधा आधा इंच मार्जिन जाएगा, तो इसीलिए 1 इंच चढ़ाकर रखेंगे। रखने के बाद जो नीचे का हमारा शेप है उसको फील करते हुए, नीचे के कपड़े को फील करते हुए एक हाथ से और एक हाथ से कटिंग करेंगे। तो नीचे का घेर भी एक हाथ से फील करेंगे कहाँ तक है और उसी के अकॉर्डिंग ये ऊपर का कपड़ा कट करना है। अब हमें आगे का गला और आगे का आर्महोल भी कट करना है, तो ये पीच का जो पार्ट होता है ये बैक पार्ट उसे साइड में रख दिया, यानी पीछे का पार्ट साइड में चला गया और फ्रंट पार्ट को फिर से ठीक करते हुए मैं गला और आर्महोल का कटिंग करूंगी। तो गला कट कर दिया और आर्महोल का भी कटिंग कर दिया। अब यहां से मैं आर्महोल आधा इंच कम रखती हूँ पीछे से। अगर आपको ये डिटेल में जानना है तो कुर्ती कटिंग का वीडियो जरूर देखिएगा, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो फ्रंट का कटिंग हो गया और पीछे का तो पहले ही हो चुका था, अब इन दोनों को मैं एकदम सही से यहाँ पर रख देती हूँ। तो ये तो पूरा हो गया। अब हम कुर्ती के घेरे का जो जोड़ है यहाँ पर जो हमने कट करके रखा था उसे किस तरह से अटैच करना है वो देखेंगे। तो ये देखिए ये ऊपर का और ये नीचे का दो जोड़ है हमारे। अब इनको हम इस तरह से रखेंगे, ये देखिए ये ऊपर का जोड़ पकड़ा और कुर्ती का ये ऊपर का लेयर पकड़ा। अब इन दोनों को ऐसे ही मैं यहाँ पर पिंस लगा कर लूंगी। पिंस लगाने का मतलब ये होता है कि हमें बाद में परेशानी नहीं होती कि कहाँ से जोड़ लगाए, मतलब उल्टा सीधा नहीं होता, तो पिंस लगा कर ले या फिर बड़े टाको वाली सिलाई लगा कर ले। तो पिंस मैंने लगा दिए, अब ये जोड़ने में आसानी होगी, बस सिंपली मुझे यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। ऊपर का हो गया, अब नीचे का जोड़ जो है उसे भी मैं पिंस लगा कर लूंगी। तो इससे हमारा काम आसान बन जाता है और दूसरी बात ये कि उल्टा और सीधा बाद में देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अभी हम इसको इस तरह से पिंस लगा कर लेंगे तो काफी हद तक काम आसान हो जाता है। अब सबसे पहले मतलब कोई भी सिलाई शुरू करने से पहले हमें इन दोनों जोड़ को अटैच कर लेना है।
तो जोड़ को तो मैं अटैच कर लूंगी और कुर्ती का कटिंग अभी कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए इसे मैंने खोल दिया तो इसका घेरा बहुत अच्छे से आता है, एकदम राउंड में घेरा होता है और पहनने के बाद ये कुर्ती बहुत सुंदर लगती है। और बस हमेशा की तरह इस कुर्ती की सिलाई करनी है, मतलब गले जोड़ कर लीजिएगा, स्लीव्स जोड़ दीजिएगा, उसके बाद साइड फिटिंग करके नीचे की तरफ आप पीको या फिर डबल फोल्ड करके सिलाई लगाइए। अब हम इसका स्लीव्स कटिंग देखेंगे। अब जो बचा हुआ कपड़ा था जो साइड में निकला था वो वही कपड़ा है और इसमें हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की चौड़ाई मैंने रखी है यहाँ पर 7 इंच और उसके बाहर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, आपकी जितनी भी है उतनी आप रख दीजिएगा। लंबाई यहाँ पर 7 से 8 इंच आ रही है तो मैंने 7 इंच पे मार्क किया और कैप हाइट का मार्किंग 3.5 इंच पर। उसके बाद यहाँ से कैप हाइट के मार्किंग से हम इस तरह से शेप देंगे आगे का और पीछे का। नीचे की तरफ यहाँ पर गोलाई में रख रही हूँ 6 इंच और यहाँ से तिरछी लाइन बाहर की तरफ सिलाई मार्जिन और बस इसका मैं कटिंग कर दूंगी। तो जैसा कि मैंने बताया इसमें हाफ स्लीव्स निकल जाते हैं, आप चाहो तो त्रिपो स्लीव्स भी बना सकते हो लेकिन उसके लिए आपको कपड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, मतलब 3.25 मीटर कपड़ा चलेगा। अब देखो ये स्लीव्स हमारे यहाँ पर तैयार है और ये पूरा कटिंग हमारा हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना, कोई डाउट्स है तो पूछना। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।